हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ की दर्शनी। कैसे हो आप सब लोग? आइडियल हो आपके, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। अभी हम लोग डीमार्ट जा रहे हैं, डीमार्ट के लिए रेडी हो चुके हैं। दर्शनी भी रेडी हो गई है, अभी जस्ट निकलेंगे क्योंकि 6 बज गया है और यहाँ पे 8 बजे के बाद तो मार्केट बंद हो जाती है। तो जल्दी से हम लोग को सारे शॉपिंग करके आना होगा, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग करना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं। है ना दिशो? दर्शनी रेडी हो गई। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ये ब्लॉग आप लोग बहुत लेट देख रहे हैं, लॉकडाउन लगने से पहले का ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग 14 अप्रैल का है और आप लोग बहुत लेट देख रहे हैं। मैं वीडियो तो बना ली लेकिन एडिट नहीं कर पाई और 2 दिन से मैं अपने लहंगा का ब्लाउज सिलने में बिजी हूँ। लहंगा का ब्लाउज सिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना पाई और कपड़े सिलने का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितना टाइम नज़दीक आ रहा है मायके जाने का, उतना ही मेरे काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। और काफ़ी टाइम से आप लोग के कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है और मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई है डी मार्ट से और खेल में लग गई। डी मार्ट बंद है? जाने नहीं दिया ना तुमको? नहीं। सोचो। अभी मैं चाय बना रही हूँ। अभी हम लोग डीमार्ट से आ गए हैं और बहुत सारा शॉपिंग करके आए हैं। डीमार्ट हम लोग गए हैं लेकिन वहाँ पे कूपन मिल रहा था और कूपन का टाइमिंग था, क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद हो जा रही है ना, तो कूपन का टाइमिंग खत्म हो गया था। क्योंकि हम लोग 6 बज के कुछ मिनट पे पहुंचे थे, तो शायद 4 या 5 बजे तक ही कूपन मिल रहा होगा, तो हम लोगों को एंट्री नहीं मिला है। हम लोग नहीं गए हैं, तो हम लोग ना पैदल घूमते घूमते आए। हम लोगों को लगा है क्या कि नजदीक ही है, क्योंकि ऑटो से हम लोग जाते हैं तो बहुत नजदीक दिखता है। पैदल आने में हालत पंचर और दुश्मनी का भी हालत पंचर। हम लोग सोचे क्या है कि बहुत दिन हो गया ना, मतलब बहुत दिन से हम लोग घर में ही पैक है, तो थोड़ा घूमना भी जरूरी है। आज मैं सुबह में भी नहीं, तो थोड़ा घूमना भी जरूरी है, तो इसलिए टहलने के बहाने से हम लोग आए हैं। लेकिन हालत खराब हो गया है। रिशानी तो बीच बीच में बोल रही थी पानी लेकर मैं गई थी, अच्छा बल्कि मैं पानी लेकर गई थी, इसको प्यास बहुत लग रहा था। तो अभी हम लोग कल सुबह जाने वाले हैं, 7 बजे से डीमार्ट खुल जाता है, तो कल सुबह 7 बजे जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में जाएंगे तो शॉपिंग कर पाएंगे अच्छे से। और वहाँ पे ना सिर्फ ग्रोसरी की चीजें मिलेगी, और तो वहाँ पे सिर्फ राशन की चीजें मिलेगी और एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, सब बंद कर दिया है, सिर्फ खाने पीने वाले ही चीजें मिलने वाला है। तो हम लोग पूछ कर आए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं कल तक कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी के लिए बाय बाय। चलो चलो तुमको वीडियो एंड करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है? अभी मैं पोहा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा हुआ है, तो
अभी मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है, गैस को बंद करेंगे। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट करके रखी हूँ, इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके रखी हूँ। अभी इसमें मसाला भी मिक्स करना है, लेकिन मसाला मुझे पीसना पड़ेगा तो अभी बाद में मैं करूँगी, पहले तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि भूख लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगा हुआ है। 11 बज के अभी तक हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। अभी मैं पोहा बनाई हूँ, तभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। अभी 11 बज के कुछ मिनट हो गए हैं और डीमार्ट गए थे ना सुबह में, तो लेट हो गया है थोड़ा। और डीमार्ट से आने के बाद ना मैं मार्केट चली गई हूँ, वहां से चिकन लाई हूँ। अभी भी हस्बैंड मार्केट गए हैं क्योंकि उनको मार्केट में थोड़ा काम था, तो इसलिए वो गए हैं। और अभी फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। कल शाम के टाइम में हम लोग गए थे ना डीमार्ट, तो वहां पे मतलब हम लोगों को शॉपिंग करने को नहीं मिला था क्योंकि कूपन मिल रहा था, तो आज सुबह में गए तो कूपन लिए हैं, तो ज्यादा भीड़ नहीं था। लेकिन वहां पे एक बार में ज्यादा लोग को भी नहीं जाने दे रहा है अंदर, और एक फैमिली से एक ही लोगों को अलाउ कर रहा है जाने के लिए, तो मैं ही गई थी अंदर। दिशानी और दिशानी के पापा बाहर खड़े थे, तो फटाफट से जो भी लेना था वो ले लिए हैं। और वहां पे सिर्फ ग्रोसरी की चीजें ही मिल रही है, बाकी सारे चीजों को बंद कर दिया है। तभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, हस्बैंड मेरे गए मार्केट, उनका वेट नहीं करूंगी आज, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से खा लेती हूँ। तो ना मैं इतने सारे कपड़े धोई थी, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, इसे उतार के दूसरा कपड़ा अभी डालना है सूखने के लिए। दिशु दिशु आ जाओ। अभी मैं मसाला पीसने जा रही हूँ। यहाँ पे है जीरा, काली मिर्च और ये प्याज है, लहसुन है, अदरक है और यहाँ पे धनिया है। तभी सारे मसाले को पीस लूंगी। तो गाइज, अभी नवरात्रि चल रही है और आज के ब्लॉग में मैं चिकन करी की रेसिपी शेयर की हूँ, तो जो लोग नहीं खाते हैं या फिर जो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। अभी मैं मसाले को पीस ली हूँ और सारे मसाले अभी चिकन में डाल देंगे। अभी सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। ऑयल गरम हो गया है, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए हैं। अभी इसमें मैं चिकन डालूंगी। अभी हाई फ्लेम पे चिकन को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद धीमे आंच करके इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए चिकन का पूरा पानी सूख गया है, थोड़ा सा और इसे भूनेंगे क्योंकि अभी तक मैं नमक ऐड नहीं की हूँ, तो अभी इसमें मैं नमक डालूंगी और इसे थोड़ा टाइम तक और भूनूंगी, थोड़ा सा और भुनाएगा, उसके बाद में ग्रेवी के लिए पानी डाल दूंगी। और देखिए कलर कितना चेंज हो गया, पहले कैसा दिख रहा था और अभी देखिए कैसा दिख रहा है। और अभी इसे थोड़ा टाइम तक और भुनना है, उसके बाद और भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरा चावल बन के रेडी हो गया है और देखिए कितने सारे बर्तन है जो कि धोना है, और यहाँ पे है कपड़े सूखने के लिए डालना है, और इधर कोई और काम हो रहा है, इधर हम लोग कपड़े निकाल रहे हैं। ये सारे दृशानी का कपड़ा है और हम दोनों आदमी से ज्यादा दृशानी का कपड़ा है। इसमें मेरा लहंगा है जो कि ये पूरा फुल हो गया है। गाइस अभी मेरा चिकन करी बन के रेडी हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। लंच हो गया है, लंच करने के बाद मैं कपड़े उतारी हूँ, कपड़े सूखने के लिए डाली हूँ, इतने सारे कपड़े फोल्ड करना है
और अभी पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है, किचन भी पूरा फैला हुआ है, बहुत सारे बर्तन है धोने के लिए। और अभी हम लोग कपड़े निकाल रहे थे, मतलब अभी तो जाना है, बहुत दिन नज़दीक आ गया है तो थोड़ा बहुत पैकिंग भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही कपड़े निकाल रहे थे, कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कौन कौन से नहीं लेकर जाना है। तो मेरे हस्बैंड ना एकदम से मना कर दिए, जितना कम हो सके ना उतना ही कपड़ा लेके जाओ। मेरे सारे साड़ी हटा दिए, बोले कि ये सब साड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं 2-3 साड़ी ही लेकर जा रही हूँ। वहां पे मम्मी खरीदी है वो साड़ी है, टाइम मिलेगा तो मैं वहां पे ब्लाउज सिल लूंगी, टाइम नहीं मिलेगा तो देखेंगे। वहां पे मेरी शादी का 2-3 साड़ी है तो वहां पे मैं रखी हुई हूँ, उसका ब्लाउज मैं लेकर आई हूँ तो उसका ब्लाउज मुझे सिलना है, तो वही 1-2 साड़ी है तो वही पहनेंगे, बहुत कम सामान लेके जाना है। इतने सारे कपड़े फोल्ड करना है और उधर सोफा पे भी कपड़ा रखा हुआ है, ये सब कपड़ा मैं यहाँ निकाल के रखी हूँ। ये साड़ी भी नहीं लेके जाने दे रहे हैं और ये भी नहीं लेकर जाने दे रहे हैं, बोल रहे, और ये इससे भी बोल रहे थे छोड़ दो, ये तो पहन चुकी है ना, और इसे भी नहीं लेकर जा, मतलब वो बोल रहे थे कि कोई भी साड़ी मत लेकर जाओ, तो पहनेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे मुझे लगभग 1 से 1.5 मंथ तक रुकना है तो पहनूंगी क्या वहाँ पे, तो कपड़े तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तो बहुत ही कम कपड़े लेकर जा रहे हैं। क्या बोल रहे थे, जरूरत पड़ेगा ना तो वहां पे खरीद लेना, मेरा पैसा खर्च होगा वो मंजूर है, लेकिन इतना सामान मैं ढोकर नहीं लेके जाऊंगा, उन्हीं को ढोना पड़ेगा ना इसीलिए। और पता, अभी मेरा बैंगल्स है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें हैं। डी मार्ट से ना हम लोग बैग भी नहीं खरीदे, ट्रॉली बैग खरीदना था, हम सोचे कि दिन जब नजदीक आएगा तब हम लोग खरीद लेंगे, और देखिए आज हम लोग गए थे लेकिन वहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम लोग बैग भी नहीं खरीद पाए। जाओ जाओ जाओ, पापा का हेल्प करो, जाओ जल्दी, जाओ जाओ, सो जाओ, दिशानी को सुलाइए, जाओ 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 जल्दी जाओ। फिर से मुंह में उंगली डाल रही, फिर से जाओ जाओ, सो जाओ, मम्मी को काम है। देखो इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है यहाँ पे, इस सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, और इसमें ये 2 साड़ी है जिसमें फॉल लगाना है, और ये सारे ग्रोसरी का सामान है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाई भी नहीं हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ, बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे किचन की हालत देखिए, सारा सामान उसी तरह बिखरा हुआ है, और ये बालकनी में देखिए, मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज छिली हुई थी तो वो भी छिलका उसी तरह पड़ा हुआ है, इतने सारे बर्तन है यहाँ पे बर्तन है, और ये धनिया पत्ता लेकर आई थी मैं सुबह मार्केट से, तो इसे धो के मैं रखी हुई थी, तो देखिए इसका भी क्या हालत हो गया। मेरे हस्बैंड गए थे ना दोबारा मार्केट, तो मूली लेकर आए थे, और देखिए कच्चा मैंगो, और ये गोभी है, तो अभी सब धो के रखा हुआ है। तो गाइस ये सब सामान है जो कि डी मार्ट से आया है, तो मैं अभी आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी 5:30 हो गया है, दृशानी अभी तक सो रही है, अभी घर के काम खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम हैं। क्या क्या लेकर आई हूँ डी मार्ट से सब मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है डर्मिकूल पाउडर, और इसमें ये डेटॉल साबुन फ्री दिया है, तो ये लेकर आई क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। एक सूजी का पैकेट है, पूरा से खत्म हो गया सूजी। मटर, सॉल्ट, दो मस्टर्ड ऑयल का पैकेट है, ये गुलाब जामुन का पैकेट है, और ये 400 ग्राम का है। एक मोनाको बिस्किट, 2 गुड्डे बिस्किट है, ये वाला बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक यूनिबिक का चोको चिप्स कुकीज बिस्किट है, ये भी अच्छा लगता है, और मैं ओरियो बिस्किट भी लेकर आई 2 पैकेट, टूथब्रश ये दृशानी के लिए, ये है दृशानी का क्रीम, और ये हिमालय का बेबी क्रीम है, झंडू बाम, इसका हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, रोज जरूरत पड़ता है, रोज सर दर्द होता है सोने के टाइम में। एक ये दृशानी के लिए डार्क फैंटेसी बिस्किट, एक मैं मेलोडी चॉकलेट का पैकेट लेकर आई, और इस टाइप का चॉकलेट जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, इतना सारा पैकेट लेकर आई,
9 पैकेट है ये चॉकलेट। डेटॉल साबुन, 3 सैनिटाइजर लेकर आए, स्प्रे सैनिटाइजर है तो इसका बहुत जरूरत लगने वाला है। तो अभी 1 हाथमोला, 1 मैं व्हाइट टोन पाउडर लेकर आई और मैं ना व्हाइट टोन पाउडर ही लगाती हूँ। यहाँ पे है 1 केजी चीनी, 1 केजी मूंग दाल, 1 केजी तूर दाल और ये है रिफ्लेक्ट का डिश वॉश जो कि खत्म हो गया है। और ये मेरी त्रिशनी का हॉर्लिक्स उसका खत्म हो गया था। हैंड वॉश और मैं 2 कंडीशनर लेकर आई। ये पेंटिंग का कंडीशनर है, एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं, पता नहीं कैसा है। और ये रहा मजा। और यहाँ पे है 5 केजी चावल और हम लोग कोलम राइस खाते हैं। मैं कितना बार ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोग कोलम राइस खाते हैं, तो ये वाडा कोलम राइस है और कभी HFT लाते हैं, कभी वाडा कोलम राइस लाते हैं। तो कोलम राइस कोई भी लाए लेकिन सब अच्छा रहता है। अभी मैं वाडा कोलम राइस लेकर आई हूँ और इसके पहले मैं गई थी डीमार्ट तो HMT कोलम राइस लेकर आई थी। बहुत सारे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि आप जो भी ग्रोसरी के सामान लाते हैं दिखाने के लिए, तो मैं तो हमेशा दिखाती हूँ। कुछ फ्रेंड लोग वो वीडियो शायद नहीं देखते होंगे इसलिए शायद कमेंट करते हैं। तो मैं जब भी ग्रोसरी खरीदने जाती हूँ तो मैं ब्लॉग में जरूर ही दिखाती हूँ। तो जो जो सामान लेकर आई थी मैं सब आप लोगों को दिखा दी। अभी मैं जा रही हूँ घर के काम खत्म करने। त्रिशनी अभी तक सो रही है तो त्रिशनी को उठाना भी है, घर में झाड़ू भी लगाना है, बहुत सारे काम है। अभी मैं ये सारे सामान को ना वो जो बोरा है ना उसी में पैक करके रख दूंगी, क्योंकि उसी में था। क्योंकि ये सारे सामान को अभी मैं सैनिटाइज नहीं की हूँ और त्रिशनी सो रही थी तो इसलिए मैं सोची चलो आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ, नहीं तो त्रिशनी जगी रहती ना तो हर सामान को छूती। तो अभी इसे मैं उसी में पैक करके रख दूंगी क्योंकि ये कोई भी यूज करने वाला सामान नहीं है तो सब मतलब एक्स्ट्रा है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए वहीं रख देती हूँ, 3-4 दिन बाद मैं इसे किचन कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करूँगी। तो चलिए फटाफट से ये सब काम ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग का डिनर हो गया है और मेरे घर कितने फैले हुए थे, पूरे घर समेटने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। डिनर में मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, सिर्फ रोटी बनाई हूँ क्योंकि लंच के टाइम में जो मैं चिकन करी बनाई थी तो बहुत सारा था, उसे मैं गरम की हूँ और रोटी बनाई हूँ, वही हम लोग डिनर किए हैं। और मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे तो उस सारे बर्तन धोने में मुझे आधा घंटा से ज्यादा टाइम लगा है। हल्दी वाला दूध है, इसे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, ये गॉड बच्चे लोगों को, सारे बच्चे लोगों को छाली से नफरत होता है क्या? इसको भी छाली से बहुत नफरत होता है, छाली रहेगा दूध में तो पिएगी ही नहीं। मम्मी ये पापा का है ना, ये तुम्हारा है, देखो तुम्हारे में नहीं है ना। हाँ चलो चलो चलो, बाय बाय बोल दो जल्दी। बाय बाय, खाई क्या चिकन बेसन? ऐसे बोलता है कोई इतना चिल्लाकर? मम्मी आपने स्कूल लेके आया ना? किसको लेकर आया? स्कूल जब कोरोना खत्म होगा ना तब स्कूल जाना, ठीक है पापा? क्या किस्मत है ना त्रिशनी का, त्रिशनी का ही नहीं बहुत सारे बच्चे लोगों का।
इसका पहला एडमिशन हुआ तो लॉकडाउन लग गया, दूसरा एडमिशन हुआ फिर से लॉकडाउन लग गया। तो अभी 11 बज गया है, सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे वीडियो भी एडिट करना है, तो एक घंटा तक मैं एडिटिंग करूंगी, जितना होगा उतना करूंगी, बाकी का मैं कल करूंगी। और एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि आप नवरात्रि नहीं करते हो क्या, मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन खा रहे हैं, नवरात्रि स्टार्ट है तो हम लोग खाते हैं, नहीं करते इसलिए हम लोग खाते हैं, हमारे घर में सब लोग खाता है इस टाइम में। दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग नहीं खाते हैं, अभी के टाइम में हम लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, बहुत सारे काम है, टाइम ज्यादा नहीं है, 10-11 दिन बच गया है हम लोगों को जाने का, तो ये 10-11 दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी कहीं पे भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, हमेशा भूल जाते हो, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और मैं मिलती हूं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।